तो आज बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी लिमड़े। आप लोगों ने देखे होंगे, तो देख सकते हो आप इनको। एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक पहाड़ी लिमड़ा है ये। और ये मेरी बड़ी सास लोगों को किसी ने दिया था, तो मेरे पास दिया उन्होंने बनाने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ता है, पहले ये ऐसा रहता है तो इसको साफ़ किया जाता है ऐसे, ये देख सकते हो आप। और ये इसका गर्दा निकला, अभी मैंने इतना ही तोड़ा है। तो इसको बनाएंगे हम लंच में, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनती है सूखी, नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो चलो इसको पहले फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, और इसका बनाने का प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको ये है ना, इसके जो ये हेयर जैसे निकले होते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। और ये बहुत प्रकार के होते हैं, जहर वाले भी होते हैं, इनको पहचानना आना चाहिए जो लोग निकालते हैं। तो ये अच्छा वाला है, क्योंकि लोग खाते रहते हैं गांव में, तो उनको आइडिया रहता है जहर वाला कौन सा होता है और अच्छा वाला कौन सा होता है। तो चलो इसको फटाफट से साफ़ करके तोड़ के फिर मैं आपको इसको बनाने की प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये लिंगड़े का जो घोड़ा है साफ कर लिया मैंने इसको, ये गर्दा निकला इसका, और इधर प्याज कट कर लिया है, और इधर इसको रफली तोड़ दिया हाथ से। इसको काटते नहीं है चाकू से, इससे कड़वापन आ जाता है, और कुछ लोग काटते भी है, पर मैंने हाथ से ही इसको तोड़ा है। और इसके साथ मैंने काट दिया है दो प्याज, और बाकी का जो मैंने तोड़ करके वो दे दिया है बड़ी वाली जी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मेरी सास और ससुर की हो रखी है तबीयत ख़राब, उनको वॉमिटिंग हो रही है। तो मैंने इधर चढ़ा दी है खिचड़ी मूंग दाल की, और ये सब्ज़ी बनाऊंगी मैं अपने लिए, क्योंकि उनको नहीं दे सकती ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। तो उनके लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी रखी हुई है, और इधर मैं बनाऊंगी लिंगड़े की सब्ज़ी। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है, थोड़ा पकने में टाइम लेती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने चढ़ा दी है लोहे की कढ़ाई, और ये गर्म हो चुकी है, तो इसमें डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, तो इसमें तेल ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए, क्योंकि ये तेल में ही पकता है तो टेस्ट भी तभी आता है। और इसी रीजन से मैं ये दूंगी नहीं अपने सास ससुर को, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाता है, जब दस्त उल्टी पेचिस होता है तो उसमें स्पाइसी खाना बंद कर देना चाहिए। तो चलो तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, और इसमें फिर ऐड कर देंगे जो हमने ये जो प्याज काटा है, देख सकते हो आप लच्छे में काटा है इसको स्लाइस में। तो अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज, तो प्याज हल्का सा तेल में भून चुका है और आगे भी ये भूनता रहेगा, तो इसीलिए इसमें डाल देंगे जो हमने लिंगड़ा रखा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी, मिर्च मसाला और चिली पाउडर, ये घर की चिली है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी फूल रहा है तो इसको ऐसे ही ढक देंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे, तो लिंगड़े की सब्जी तैयार हो चुकी है। देख सकते हो आप सब्जी बिल्कुल तैयार है, एकदम टेस्टी, बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। आ जाइए आप लोग भी पहाड़ी सब्जी खाने। और अब इधर मेरी खिचड़ी भी बन रही है, साथ के साथ सब्जी भी बन रही है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से लंच करने के बाद।
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोपहर का एक बज गया है, लंच वगैरह मेरा बन गया है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया आज लिंगड़े की सब्ज़ी की रेसिपी, तो बताना ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई रेसिपी, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।